कन्नड़ी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, इसे एक जो केंद्रीय कमेटी जो अभी तक फिलहाल मैंने कोयलांचल के क्षेत्र में सक्रिय रूप में कार्य कर रही थी, आज इसे विभिन्न प्रमंडलों के लगभग पांचों प्रमंडलों के नौजवान यहाँ आए, शायद पलामू छूटा था, तो उसके बाद ये हमारी रणनीति बनी और कि बाकी जो प्रमंडल हैं, बाकी जो हमारे जिले हैं, वहाँ तक इस आंदोलन की धार को कैसे लेकर जाया जाए, वहाँ तक लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि आखिर राज्य में हमारे साथ जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो। तो कुल मिलाकर झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के जितने भी नौजवान हैं और जो भी अन्य प्रमंडलों से चलकर आए हैं, वो एक संकल्प के तौर पर इसका आज की जो विचारधाराएं हैं उसे अपने गांव-गांव तक लेकर जाएंगे और उसी क्रम में आज हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, लातेहार, आपका गुमला, रामगढ़ तो खैर हमारा मेन पॉइंट अभी रहा है, कोल्हान के तीनों जिलों से आए हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, जामताड़ा, गोड्डा, कुछ कुछ जिले छूटे हैं जो कि सच्चाई है। तो कुल मिलाकर जो हम लोग का आंदोलन चल रहा है, जो भी मुद्दे हैं और इनको अब ड्राफ्टिंग करने की तैयारी है, हमें भी अपने नियम कानून के साथ कागजी कलम के साथ लयबद्ध होकर आंदोलन करने के लिए हम लोग तरह तरह की टीमों का जो जांच पड़ताल के बाद संगठनिक रूप से काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने के लिए आज बैठे थे। आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या किसी राजनीतिक दलों के साथ लड़ेंगे, छात्र संगठनों को मिला करके लड़ेंगे, क्या रणनीति है? देखिए ये तो स्पष्ट है, अगर हमें चुनाव लड़ने की नौबत आती है, चूंकि रायशुमारी ये हो रही है, झारखंड के धरातल पर हो रही है, गांव-गांव में हो रही है कि जो नौजवान आज आंदोलन कर रहे हैं इनके हाथों में, कम से कम ये नौजवान विधानसभा के भीतर अगर सदन में जाते हैं तो कुछ काम आसान होगा और कुछ जो अभी लोग कर रहे हैं उसे थोड़ा बेहतर होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव में अगर ये नौजवान आते हैं, ये आज पढ़ने वाले छात्र जो आंदोलन को खड़ा किए हैं, तो मेरा मानना है और हम भी सजेशन करना चाहेंगे कि अपना स्वयं के बूते आए, अपना इंडिपेंडेंट ही सही, अपने दल के माध्यम से आए, लेकिन किसी के आगे मजबूर ना होना पड़े, किसी के आगे लाचार बेबस ना होना पड़े, इस टाइप से आए। पता चला कि 2026 के चुनाव में आप लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह हाथ आजमा रहे हैं। देखिए मैंने स्पष्ट शुरू से कहा है कि हम लोग छात्र हैं, चाहे मनोज यादव रहे, देवेंद्रनाथ महतो रहे या फिर जो अन्य साथी हैं, या मैक्सिमम पढ़ने वाले सभी छात्र हैं, ये छात्र राजनीति किए हैं, न जाने दर्जनों दर्जन फॉर्म भरने का काम किया है और अभी भी जितने भी लगभग आए हैं 75% जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भरने वाले ही हैं। लेकिन जो देख पा रहे हैं जैसा लगातार हमारी नौकरियों को अगर बाहर के लोगों को बेचा जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में सड़क में ही अगर विरोध करते रह जाएंगे तो शायद लोग नहीं सुनेंगे, इसलिए सदन में जाने का विकल्प तराशना चाहिए। तो सदन में जाने का विकल्प उसकी चर्चा हुई और इस दरमियान हम लोग जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरे राज्य में आंदोलन कर रहे हैं, तमाम तमाम संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं, उनको सभी को साथ में लेने के लिए उनको एक पत्र जारी किया जाएगा, एसपी स्पोर्ट्स के माध्यम से उन तक सूचना संप्रेषित की जाएगी कि आप अपना आशीर्वाद हेतु हम लोग का जो युवा है जो आज कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, लगातार झारखंड के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका समर्थन करें और 2024 की एक वैकल्पिक तैयारी की तैयारी करें। नेता देवेंद्रनाथ महतो हैं, अलग तरीके से सखुआ पत्ते के साल के माध्यम से आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, 2024 के चुनाव में तीनों ही छात्र नेता एक साथ दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे देवेंद्रनाथ महतो जी? हम यही कहना चाहेंगे जो पिछले लगातार हम लोग जो सक्रिय आंदोलन किए और उस आंदोलन से जो अनुभव प्राप्त हुआ, जैसा कि आप लोग भी आंदोलन में हमेशा साथ आते रहे हैं, चाहे हम विधानसभा घेराव की लगातार बात करें या मुख्यमंत्री घेराव की बात करें, छात्र ने अपना हर चीज अपना कुर्बानी करा दिया, FIR तक झेल लिया, माथा फोड़ा लिया, खून बहा लिया, लेकिन झारखंड का विज्ञापन में एक झारखंड शब्द को नहीं जोड़ा गया है। अभी देख रहे बड़ी बड़ी खतियान योहार यात्रा निकाला जा रहा है, 1932 की बातें कही जा रही है और दूसरी तरफ झारखंड के विज्ञापन से झारखंड शब्द को गायब किया जा रहा है और छात्र एक सीमित समय तक सड़क पर रह सकते हैं, नहीं तो फिर उसके लिए उसको बाइक धोके लाइब्रेरी घुसना पड़ता है, उसको किताबों के साथ अपना लॉज हॉस्टल कमरा पे बंद होना पड़ता है। तो ये तमाम जो झारखंड के पांचों प्रमंडल के 81 विधानसभा क्षेत्र से जो अपने अपने विधायक सत्ता पक्ष विपक्ष सबको जो लिखित समर्थन दिए और एक अलग तरह का नया तरह का एक विधानसभा में झूठ बोले जो सरकार जो विधानसभा के अंदर इसको पारित बनाना करना चाहिए, जिसका गजट प्रकाशित होना चाहिए, उसको तो किए नहीं, अब जनता के बीच में हम लोग नए तरीके से इसको बहुमत प्राप्त किया, लेकिन अगर यहाँ भी झूठ बोलेगा तो सबका एक ही राय है कि आदरणीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व पे पूरे पांचों प्रमंडल के सभी कोई जो है कि हम लोग एक नए विकल्प के रूप में आए और सभी छात्र का एक राय है, सभी समाज के सभी वर्गों के, चूंकि हम लोग ज्यादा दिन तक सड़क पे नहीं रह सकते हैं, हम लोग को चूंकि जो भी हमारा विज्ञापन पे क्या आएगा नहीं आएगा, क्या नीति निर्धारण होगा, वो चूंकि विधानसभा के अंदर ही तय होता है, विधानसभा हम लोग को जाते हैं तो हम लोग को कपार फोड़ दिया जाता है, इसीलिए टाइगर जयराम दाकर नेतृत्व पे पूरे पांचों प्रमंडल के 2400 जिलों के 81 विधानसभा के
क्षेत्र के तमाम वर्गों के लोग एकजुटता दिखाकर बाहरी माफियाओं के ताकत को ध्वस्त करने के लिए कमर कस लिए हैं। और हम बता दें कि टाइगर जयराम महतो सच और दिल का बात कि वह व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है, वो एक अवतार है। और आने वाला जो झारखंड अभी झेल रहा है, चाहे वो किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, छात्र की बात करें, महिला की बात करें, चाहे फैक्ट्री इंडस्ट्री और बाहरी तानाशाही की बात करें, भी देख रहे हैं कि जेपीएससी में बाहरी माफियाओं के जितने सदस्य हैं, अध्यक्ष छोड़ के बाकी सब सदस्य सचिव मेंबर बाहर के हैं। आपका जेएसएससी चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी वो बाहर के हैं, जितना एग्जाम लेने वाले एजेंसी उसके परिवार के हैं। तो इतना बड़ा माफिया तंत्र को ध्वस्त करने के लिए हम तमाम वर्गों के लोग को, तमाम पाँचों प्रमंडल के लोगों को चट्टानी एकता का परिचय देना होगा। और टाइगर जयराम दा को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है और आने वाले दिन पे इतिहास में एक जयराम युग के नाम से आने वाले दिनों पे पढ़ा जाएगा। चलिए, ये आखिरी सवाल है जयराम दा, क्या आप डुमरी उपचुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, ये सब पे चर्चा का विषय है, या क्योंकि जगन्नाथ महतो 32 खतियान की बात किए हैं और उनके प्रति हम लोग सदैव आदर सम्मान रखते हैं, इसलिए इस विषय पर काफ़ी गंभीर विषय है। इस पर जितने भी हमारे साथीगण हैं उनके साथ रायशुमारी होगी, उसके बाद बातचीत होगी। भले वो जैसे थे सरकार में थे, सरकार की गलत नीतियों का भी विरोध करते थे, बाहर भी करते थे, अंदर भी करते थे, यानी झारखंडीयत भावना थी उनमें, और हम लोग झारखंडीयत भावना के साथ लड़ रहे हैं। तो और उपचुनाव में भी 6 महीना का समय बचा है, तो सारी चीज़ों को कि हमारा उससे क्या नुकसान नफा, क्योंकि देखिए जब चुनाव में आप आते हैं तो सारी चीज़ को देखना पड़ता है। उसके बाद जाहिर सी बात, तो एक पुरोधा रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कुछ ऐसा ही कदम उठाएंगे ताकि ना हमारे लिए हमें ये सोचना पड़े कि हमने कोई गलत निर्णय लिया है, ना हमारे साथियों को और ना ही राज्यवासियों को। तो पुनः कहेंगे, जगन्नाथ महतो जी उनकी कमी राज्य को हमेशा खिलेगी, उस महापुरुष को नमन करते हैं, उनकी जीवटता, उनकी विचारधारा को हम लोग नमन करते हैं।